बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ मोहम्मद तारिक कास्टर स्टेट के प्लेटफॉर्म से, और आप सबसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उसके बाद मैं ये जो लोकेशन है इसका विज़िट कराता हूँ। डेयर व्यूवर्स, आज ऑन ग्राउंड जिस लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ ये है प्रेसेंट 12, जिसको अली ब्लॉक भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मैन जिन एवन्यू पर मौजूद ये ऐसा प्रेसेंट है जिसमें हमें दो तरह की कटिंग, 125 स्क्वायर यार्ड और 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। अगर मैन गेट से इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये प्रेसेंट 10 से 12 मिनट की ड्राइव पर मौजूद है। अगर हम इस प्रेसेंट के सराउंडिंग की बात करें तो इस प्रेसेंट के सराउंडिंग में प्रेसेंट 14, प्रेसेंट 15 और प्रेसेंट 11 ए के विलाज, लंदन ब्रिज, ग्रैंड मॉस और डेस्कॉन टावर इस प्रेसेंट की सराउंडिंग में मौजूद है। क्योंकि ये प्रेसेंट फुल हाइटेड लोकेशन और स्पेशल प्रेसेंट है, अगर हम इसकी लॉन्चिंग प्राइस की बात करें तो इसकी लॉन्चिंग प्राइस जो बहरिया की तरफ से थी वो 30 लाख थी। इसके बरक्स 125 के रियाड के जो भी प्रेसेंट है उन सब की प्राइस 17,25,000 थी। तो इसलिए बहरी की तरफ से ये स्पेशल प्रेसेंट है। अगर हम इस प्रेसेंट की करंट मार्केट वैल्यू की बात करें तो इधर जो हमें इस वक्त एक नॉर्मल प्लॉट मिलता है वो 70 लाख से लेकर 75 लाख तक हमें एक नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है। लेकिन अगर हम अच्छी लोकेशन का प्लॉट इधर जो हमें मिलता है वो 85 लाख से लेकर 90 लाख तक हमें एक प्लॉट अच्छी लोकेशन का इस प्रेसेंट में मिल जाता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बात करें तो 125 के रियाड का ये वो वाइड प्रेसेंट है जिसकी प्राइस में अभी तक सबसे ज़्यादा बूस्ट आया है। अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो आज से 6 मंथ पहले हमें एक अच्छा प्लॉट 65 लाख से लेकर 70 लाख या 75 लाख तक हमें एक अच्छा प्लॉट मिल जाता था, लेकिन आज वही प्लॉट हमें 85 लाख से लेकर 90 लाख तक मिलता है। पिछले 6 मंथ में जो इस प्रेसेंट में बूस्ट आया है वो 10 से 15 लाख है। और इस प्रेसेंट के रेट में बूस्ट आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर बहुत सी फैमिलियाँ मूव हो चुकी हैं। कोई भी प्रेसेंट हो जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके प्राइस में बूस्ट आता है। और अगर इसके अलावा हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो ये वो वाइड प्रेसेंट है जिसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस प्रेसेंट में 80% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और 20% कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। अगर हम इस प्रेसेंट में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात करें तो अगर हम इधर एक प्लॉट परचेज करते हैं तो कुछ अर्से बाद हमें अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। इसके अलावा अगर हम विला परचेज करते हैं या विला की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उससे हम रेंटल इनकम भी हासिल कर सकते हैं, जो कि इस वक्त प्रेसेंट 12 में रेंटल इनकम है वो 45,000 से लेकर 50,000 तक है। इसके अलावा जो इस प्रेसेंट में बहरिया ने फैसिलिटीज़ दी है वो तिरमिजी मस्जिद, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और फिनिशिंग का काम स्टार्ट है। और इस प्रेसेंट में मोस्टली जो पार्क है ऑपरेशनल है, और इसके अलावा कुछ पार्क है जो जिन पे अभी बहरिया बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है वो भी कुछ अरसे में ऑपरेशनल हो जाएंगे। और ये न्यू पार्क है जो कि चिरपी पार्क है, इसमें मोस्टली कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही दिनों में ये पार्क भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसका हमें एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है और इस पार्क में हर तरह के बर्ड्स रखे जाएंगे और ये फैमिलीज और बच्चों के लिए एक तफरी पॉइंट है। इसके अलावा इस प्रेसेंट में PSO का पेट्रोल पंप है। जैसा कि आपको मालूम है बहरिया में दो ही पेट्रोल पंप है, एक प्रेसेंट 19 और दूसरा जो है वो प्रेसेंट 12 यानी अली ब्लॉक में मौजूद है। अगर बहरिया टाउन कराची में आपको किसी भी हवाले से सेल परचेज़ के हवाले से, किसी भी प्रेसेंट की असेसमेंट के हवाले से, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट के हवाले से कोई भी रहनुमाई दरकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर और प्रॉपर्टी एक्सचेंज की टीम से रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्रॉपर्टी एक्सचेंज को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।